हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर वीकली क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें हमने सभी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन देखेंगे। ये वीक 25/17/12/2022 का क्विज सॉल्यूशन था, जो कि सैटरडे को आया था। तो आज हम देखने वाले हैं इसी पार्ट को, तो जिसमें हम सभी सब्जेक्ट देखने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरा वीडियो। तो पूरा वीडियो तक एंड तक बने रहेगा इसी तरह मेरे साथ। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गणित के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन से, जिसमें क्वेश्चन है, यदि 10 लीटर दूध की कीमत 400 रुपये है तो 7 लीटर दूध की कीमत क्या होगी? 280 रुपये। एक सब्जी विक्रेता के पास 15 किलो की 5 सब्जी है, तो 5 सब्जियों का कुल कितना वजन होगा? 375 किलोग्राम। रमन के पास 880 चॉकलेट है, उन चॉकलेटों में से उसने शिव को 435 चॉकलेट्स दी। अब रमन के पास कितनी चॉकलेट बची? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 445। ठीक है, तो 880 में से 435 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 445। यदि 6 कप की कीमत 90 रुपये है तो ऐसे 20 कपों की कीमत क्या होगी? तो 20 कपों की कीमत होगी, 6 कप की कीमत 90 रुपये, 6 तो 1 कप की कीमत कितनी होगी? 90/6। ठीक है, तो 6 × 6 = 30, तो यहाँ पर 15 रुपये 1 कप की कीमत है, तो 20 कपों की होगी 15 × 220, 15 × 30 और 0 लग गया, तो 300 रुपये हो जाएगी 20 कपों की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल 180 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को 3 टॉफी देने के लिए कुल कितनी टॉफी की आवश्यकता है? तो 180 बच्चे, 3 टॉफी देनी है, तो टोटली हो जाएगा 18 × 3 = 54 और 0 लगा देंगे, 540 टॉफियों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सोफा सेट की कीमत 66,000 है, तो एक टेंट हाउस मैनेजर ने ऐसे 6 सोफे के लिए कितना भुगतान किया? तो 11 की कीमत 66,000 है, यानी 1 सोफे की कीमत हो गई 6,000, तो 6 सोफे की हो जाएगी 6 × 6 = 36,000। शिवानी 30 मिनट में 630 शब्द टाइप कर सकती है, वह समान दक्षता से 20 मिनट में कितने शब्द टाइप कर पाएगी? तो आंसर हो जाएगा 420। 30 मिनट में 630, तो 1 मिनट में 630/30, तो 20 मिनट में निकाल लीजिए 630/30 × 20। ठीक है, 420 आंसर आ जाएगा। क्या अनुपात 1/2 2/3 के बराबर है? जी नहीं। 5/6 का तुल्य अनुपात 25/6, जिसको सरल करेंगे तो 5/6 ही बचेगा। दिए गए अनुपातों की तुलना के लिए सही विकल्प को चुनिए। 2/3 ब्लैंक दे रखा है, 3/2, तो ये क्या है? 3/2 बड़ा है 2/3 से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात छोटा है 1/2? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 8/15 से अधिक है? तो 8/15 से अधिक हो जाएगा 7/13। अब देखेंगे सब्जेक्ट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना सबसे अधिक है? श्वसन संबंधी रोग। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उष्ण रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने में सक्षम है, जहाँ पानी अपर्याप्त है? ऊंट, जो कि अपनी कुंवड़ में जमा कर लेता है पानी को वसा के रूप में, और जब उसे जरूरत होती है तो वो उसे ले लेता है यूज में। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंट लिख देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण की प्राथमिक कारण है? मनुष्य, कर्क, मोतियाबिंद और त्वचा रोग जैसे रोग किस कारण होते हैं? पराबैंगनी किरणों से। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है? तो आंसर आ जाएगा एशिया, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला, सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है एशिया को। कौन सा महाद्वीप 3 ओर से जल से घिरा है? यूरोप। कौन सा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका से पनामा की स्थल मरुभूमध्य नामक भूमि की एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी से जुड़ा हुआ है? उत्तर अमेरिका। कौन से महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है? दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बड़ा महासागर है? अंटार्कटिक। पहला है प्रशांत, देन आ जाएगा अंटार्कटिक।
कौन सा महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है और उत्तर की ओर दक्षिण उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है? तो यहाँ हो जाएगा दक्षिणी महासागर। शहरी स्थानीय सरकार के कार्य क्या हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण एवं नियात्मक कार्य, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक अवसंरचना कार्य और विकास गतिविधियां। उपरोक्त सभी आंसर क्लिक हो जाएगा। किसानों से भू राजस्व की वसूली के आयोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? पटवारी। अब देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक पैरा दे रखा है पोइम का। तो ये जो स्क्रीन दे रखा है आपको, तो यहाँ पर इसे पढ़ना है और इसे क्वेश्चन है, हु इज़ द पॉइंट ऑफ द अबव लाइन। इन लाइन जो दे रखी है इसके पॉइंट कौन है? पीटर डिक्सन। What is the expression they pinched the chocolate flakes mean? They ate chocolates without permission. When do the teachers leave the school? Answer jayega 8:04. What is the message writing? A certain information given when direct communication is not possible. जहाँ पर direct communication possible नहीं होता है वहाँ पर letter को लिखा जाता है, letter application. What is the word limit of a message? 50 word में लिखना होता है मैसेज। वेयर डू यू राइट द डेट इन अ मैसेज? कहाँ पर लिखते हैं अपडेट को? लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर एक पैरा दे रखा है जो कि स्टोरी है टू फ्रेंड्स और बियर की, जो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो अब तो आप इसे लर्न कर ही चुके होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिन्हें हम देखेंगे। क्वेश्चन है व्हाट डिड द टू फ्रेंड प्रॉमिस ईच अदर, कि जो दो मित्र थे वो आपस में किस बारे में प्रॉमिस करते हैं? देन दे वुड रिमेन यूनाइटेड इन एनी केस ऑफ डेंजर। कोई भी खतरा होगा तो वो एक दूसरे का साथ देंगे, ये उन्होंने प्रॉमिस किया था एक दूसरे को। विच एनिमल डिड द बॉयज सी इन द फॉरेस्ट? कौन सा एनिमल दिखा था उन्हें जंगल में? बियर। व्हाट डिड वन ऑफ द फ्रेंड डू व्हेन ही सॉ बियर? उनमें से एक फ्रेंड ने क्या किया जब बियर को देखा? तो आंसर आ जाएगा ही क्लाइंब अप द ट्री। वो चढ़ गया कहाँ पर? ट्री पर, पेड़ पर। Why did the boy lie down on the ground breathless? जो दूसरा मित्र था वो नीचे क्यों लेट गया जमीन पर और अपनी सांस क्यों रोक ली? तो आंसर हो जाए because he wanted to pretend to be a dead man। क्योंकि वो बियर को शो करना चाहता था कि वो एक डेड मैन है या मृत व्यक्ति है, क्योंकि मृत व्यक्तियों को बियर, जो भालू है, वो नहीं छूता है। Why didn't the bear attack the boy? क्यों नहीं किया था अटैक यानी हमला बियर ने उस बॉय पर? Because bear do not touch the dead। मरे हुए को टच नहीं करता है भालू। Who was the false friend? कौन झूठा फ्रेंड था? One who climbed up the tree, जो चढ़ गया था ट्री पर, पेड़ पर। तो इस तरह से डन होता है आपका वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन डन। इसी तरह हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट, विषय से रिलेट और जो आपकी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेट देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।